सोना पिघल ही नहीं सकता है। सुंदर सुंदर जो माताएं आभूषण पहनती हैं, गहने पहनती हैं, तो सुहागा के कारण, नहीं तो पिघलेगा ही नहीं, उसका आकार ही नहीं बन सकता। इसलिए उस सुंदर सोने का महत्व सुहागा की वजह से। तो ऐसा है, भगवान अगर सोना है तो भक्त को सुहागा ही बनना पड़ेगा। प्रभु जी तुम घन हम बन हम मोरा, जैसे चितवच चंद्र चकोरा। कि हमारा रिश्ता उस वन में मोर के समान हो, कि जब घनघोर बादल छाते हैं, हल्के हल्की बारिश होने लगती है, सुंदर सुहाना जब मौसम हो जाता है, तो मोर उसको देख करके नाच पड़ती है। और जैसे चितवत चंद्र चकोरा, कि वैसा हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति हो, कि जैसे चितवत चंद्र चकोरा, कि जैसे चितवत एक पक्षी होती है, उसका स्वभाव है वो चंद्रमा को रात में, पूर्णिमा की चंद्रमा को ऐसे देखता रहता है। और जैसे ही पूरब से चंद्रमा होगा और पश्चिम गई, और वैसे ही उलट जाता है, पूरे रात उसको देखते देखते उलट जाता है। वो उसका प्रेम है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रविदे दासा। कि हमें उस तरह का बनना पड़ेगा। रिश्ता अगर बनाओ तो यहां से बनाओ, किसी तरह का, सांसारिक रिश्ता हो चाहे आध्यात्मिक रिश्ता हो। अगर ऊपर ऊपर बनाओगे तो ऊपर ऊपर ही रिश्ते निकल जाएंगे। किसी परिवार में, संबंधों में देखो, क्योंकि अंदर की जो ऊर्जा है वो प्रभावित करती है। जैसा अंदर घटेगा वैसी ही एक तरंगे दूसरे पर पड़ेगी। अगर आपके हृदय में प्रेम किसी के प्रति नहीं है, तो यह समझ लेना कि उसके हृदय में भी आपके प्रति प्रेम नहीं है। और जिस दिन आपके अंदर हृदय में उसके प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, तो अगला व्यक्ति भी धीरे 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 वो आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको बदल देगी। अंदर वो ऐसी शक्ति है, उसको जागृत करना है। बाहर शक्ति है, भगवान है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। मैं एक सन्यासी होने के बाद भी ये बात कह रहा हूं, लेकिन आप सबके हृदय में परमात्मा है, ये मैं कह सकता हूं। जैसे बच्चा कितना बदमाश हो जाए, लेकिन माता और पिता हमेशा उसको सच्चा राह दिखाने का ही प्रयास करते हैं, हमेशा समझाने का ही प्रयास करते हैं। उसी तरह से मन के साथ साथ एक चेतन मन है, और चेतन मन ही परमात्मा है। आप कुछ भी करते हो, अगर गलत हुआ है आपके द्वारा, आपके हाथों से, तो निश्चित रूप से पश्चाताप भी होती है। कोई जरूरी नहीं कि तुरंत हो जाए, लेकिन जब चेतन मन जागृत होता है तो पश्चाताप होता ही होता है। हृदय में दोनों बातें, क्रोध भी कर रहे हो और पश्चाताप भी कर रहे हो। क्रोध इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप मन रूपी शैतान के साथ हो, और जब मन रूपी शैतान जब कमजोर होता है, जब दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उदय होता है, अर्थात चेतन मन का, तो पश्चाताप होने लगता है।